हम बताए तो थे स्टार्टिंग में कि ए प्लस बी का होल क्यूब उसको भी यूज कर सकते हो, या फिर ये सब तरीका जो बता रहे, क्या था फॉर्मूला भी याद नहीं है? हाँ बता दो। ले देख, अरे देख लो पहले, जल्दी से लिखो उसको। बहुत लेजी है तुम रे, कहाँ कहाँ ब्लर आ रहा है। अब बताओ, ये मेरा गलती है? बोलो, सुबह से तुम पढ़ रहा तो ये मेरा गलती है? देखो, इंग्लिश कौन पढ़ता है यार? पक काहे बेकार का पढ़ रहा है, मछली बेचो धनबाद में, बहुत बंगाली लोग का डिमांड है मछली का, समझ गया? उसमें हम भी एक आएंगे लेने। अरे चल यहाँ देख, सेम नंबर अगर रात हो कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे? बोलो, 1 का क्यूब क्या होगा? हाँ तो इसको 4 बार लिख लेना, समझा? देखो, अरे भाई सुनने तो देगा नहीं तुम। हाँ देख लो इधर, पहले सब लोग समझ तो लो। देखो, 11 का क्यूब निकालना है तो क्या करो, 1 का क्यूब 1 होता है, तो इधर इधर से क्या करो, 3 और लिख लो, मतलब 4 का पेयर बना लो, ठीक है? अब क्या करो, इसको इसको साइड कर दो, तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2, 1 का डबल 2। अब इसको ऐड कर दो तो 1, ईशान, मलंक बोलो, मलंक बोलो जी, बोलेगा ही नहीं, सब शांत हो गया। चलो 22 का बनाओ। हाँ अब देखना फंसेगा कहाँ वो, अब इसमें तुम लोग फंसेगा, 33 में फंसेगा। क्या आया बोलो? हाँ वेरी गुड। देख किसान, तुम घर में रह के बस बदमाशी सीख किया है। अरे तुमसे उम्मीद था इसीलिए हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं, लेकिन तुम तो घर में रह के। तो बताओ, चलो हम बताएं। मलक देखो जी, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 ही होगा ना, 8 8 8 लिख लिए। अब देखो मेरा 8 सही नहीं आता है, तो हमको ये मत बोलना, ठीक है? ये दोनों को छोड़ दो, 8 का अगर डबल करेंगे तो आएगा 16, इसका भी 16। अब इसको ऐड कर दो, 8 16 16 प्लस 8 करेंगे कितना होगा, 24 का 4 कैरी 2, 16 प्लस 8 24 और 2 26 का 6, 8 और 2 33 का बताओ जी। अरे
आयुष सरोदिया, क्या हो गया जी? कंपटीशन में बने रहो। कैरी नहीं करना, देखो हम बता रहे हैं। 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 27, 27, 27, 4 बार लिख लो। ठीक है, 1, 2, 3, 4 हो गया ना। अब इसका पेयर बना लो, हटा दो इस सबको। 27 का डबल कीजिएगा, कितना देगा? 54। ए भाई कंफ्यूज मत कर, 54 होगा ना। अब इसको ऐड करना। अब ऐड कैसे करने बताए थे? ईशान फिर कुछ और कर देगा। देखो ईशान, 2727 2727 है, ठीक है। अब हमको इसको और इसको साइड करना है, तो यहाँ इसका आ जाएगा 2, इसका 54 डबल, और यहाँ 7 बाकी रहेगा। अब इसको ऐड करो, 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29 होगा ना। हम बता देते हैं ईशान को, देखो 27 और 2 कितना होगा? 29, 29 और 54 कितना हो जाएगा ईशान, बताओ जल्दी। ए भाई रुक, इसे बताते हैं। तुम कोशिश नहीं कर रहा, बस यही है। देखना यहाँ पे, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होगा? 27, इसको बोले थे 4 बार लिख लेने, लिख लिए 4 बार। अब पेयर क्या बनाना था? ये दोनों को साइड कर दो, मिडिल टर्म रखना था। तो देखो ये 54 हो जाएगा, डबल करो, ठीक है ना। अब हम क्या बोले थे? वंस वाले टर्म को रखना है, टेंस वाला को इधर ट्रांसफर करना है, कैरी करना है, ये बताए थे ना स्टार्टिंग में। तो ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 29, 27 प्लस 2, 29 बन जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, 7 का 7, 29 और 54 ऐड करेगा, कितना देगा? 78 होगा ना जी। एट्टी थ्री होगा ना, 83 का 3 कैरी 8, और 27 और 54 को ऐड करो जल्दी। एट्टी वन प्लस 8 ऐड करो, 89 का 9 कैरी 8, अब 7 में 8 ऐड करो, अब समझ में आया ना? हाँ जी, चलो अब बताएं। बाकी सब सही है ना? चलो ये जो लास्ट, अब जो लास्ट बचा है उसको देखते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट नंबर वाला। तो मम्मी आई ईशान, अब बताओ डिफरेंट नंबर में क्या क्या हो सकता है? 23 हो सकता है। अब इसका क्यूब निकालना है, कैसे निकालोगे बोलो? 23 का क्यूब निकालना है बोलो। चलो देखो हम बताते हैं, देखो देखो नहीं वो तो कर ही सकता है, इधर बोर्ड दिख रहा है? नहीं, उतना दूर नहीं दिख रहा। ये दिख तो रहा है जी, चश्मा नहीं पहना ऐसा लग रहा।
देखो ईशान, 2 का क्यूब करो क्या देगा, 8। मलंक देखना, 3 का क्यूब करो देखो क्या देगा, 27। इसको इस कोने में लिख लो, ठीक है ना, मिडिल में भी खाली रखना। और देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ये वाले टर्म से, 4 इंटू 3 12, यहाँ 12 लिख दो। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, यहाँ तक समझ में आया ईशान, आ गया ना। अब देखो इसको और इसको हटा दो, मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब को हटा दो, ठीक है ना। तो अब इसका 12 का डबल करेगा क्या देगा, 24। 18 का डबल 36, इसको ऐड कर लेना जैसे बताया है। तो यहाँ पर तो इधर कैरी हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 7, 18 और 2, देखो 7 का 7, 18 और 2 20, 20 और 36 क्या होगा, 56। हाँ अब आगे बोलो, 12 और 24, 36 और 5, 41 का 1, कैरी 4, 8 और 4, समझ गया ना। तो देखो नेक्स्ट क्लास इस पर प्रैक्टिस करना आप लोग घर पे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूब रूट सीखेंगे, और तब तक हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर आईसीएसई वालों के लिए हम वीडियो बना के यूट्यूब में डाल देंगे, अपना देख लेना, और ग्रुप में हम सेंड कर। हाँ मैथ्स का कल एग्जाम है, तो अभी दो, अरे अभी नहीं ना हो पाएगा अभी। हाँ क्या क्या, तो हाँ देखो कुछ भी डाउट होगा तो बताना, लेकिन हमको डिनोबली का पता है कैसे एग्जाम ले रहा है, तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हमको पूछ लेना, ठीक है। हाँ तो ठीक है, और कल से हम कल से वीडियो अपलोड हो जाया करेगा, एक बार घर पे देख लेना। और ईशान ज्यादा मछली खाओ मत, पहले इस पर ध्यान दो समझे, घर में बैठ बैठ के लेजी। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। अरे ईशान पहले सुनने दो। हाँ 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 ठीक ठीक है, ठीक है चलो ठीक है फिर नेक्स्ट, हाँ ठीक है फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ईशान प्रैक्टिस करना जी।